स्पेशल जिहड़ा ड्रग्स दे उत्ते मानजोग सीएम साहब दी हदायतां ते एक स्पेशल कैंपेन शुरू कीता सीगा, जुलाई च स्टार्ट कीता सीगा और इहदे च हुण 11 महीने हो गए इस कैंपेन नूं चलदे हुए। सो पहला मैं 11 महीने दीआं जिहड़ियां उपलब्धियां उह दसणा चाहूंगा क्योंकि काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच जिहड़े ड्रग्स आ फड़े गए इन्हां 11 महीनों दे विच। सो टोटल 11,147 एफ आई आर दर्ज हुई हैं 11 महीने दे विच, 11,147 जिदे 14,952 जिहड़े ने दोषी गिरफ्तार किए गए। कमर्शियल क्वांटिटी दे जिहड़े केसिज आ इहदे विचों 1313 कमर्शियल क्वांटिटी दे केसिज आ और 2132 जिहड़े ने वड्डे समगलर्स अरैसट होए आ इस पीरियड दे दौरान। मीडियम क्वांटिटी दे 8,419 केसिज दर्ज होए आ 8,419 और स्मॉल क्वांटिटी दे 1411 केसिज दर्ज होए आ। सब तो वध जिहड़ी एफ आई आर दर्ज हुई है फिरोजपुर जिले दे विच दर्ज हुई है, फिर उस तो बाद पटियाले दे विच, फिर अमृतसर कमिश्नरेट दे विच। कमर्शियल क्वांटिटी दे जिहड़े सब तो वध केस दर्ज होए आ पटियाले दे विच 106 केस दर्ज होए आ, एस टी एफ एस ए एस नगर दे विच 90 केस दर्ज होए आ, तरन तारण जिले दे विच 74 केसिज दर्ज होए आ। काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच इस समय के दौरान रिकवरी हुई है जिहदे विच हैरोइन की रिकवरी 1135 किलो की रिकवरी हुई है, जिहदे विचों 987 किलो की जिहड़ी रिकवरी है वह पंजाब के अंदरों हुई है, 147.5 किलो की रिकवरी जिहड़ी है वह पंजाब पुलिस के प्रोएक्टिव अप्रोच के नाल गुजरात ते महाराष्ट्र दे विचों हुई है। ओपीएम की 730 किलोग्राम की रिकवरी हुई है, पॉपी हस्क 350 क्विंटल की रिकवरी हुई है, चरस की 40 किलो की, गांजा 840 किलोग्राम रिकवर होया है और जिहड़ियां मैडिकल ड्रग्स ने जिदा इंजैक्शनस टैबलेट्स जिहड़ियां इलीगल इलिसिट ड्रग्स ने वो 62,49,616 यूनिट्स जिहड़े ने इस पीरियड के दौरान फड़े गए। बहुत वड्डी मात्रा दे विच ड्रग मनी रिकवर हुई है जिहदे विच 11,83,25,000 जिहड़ा रुपया वा वो ड्रग मनी रिकवर हुई है। और पीओ दे खिलाफ आपां एक स्पैशल कैंपेन चलाया सीगा ड्रग्स दे पीओज दे खिलाफ, तो इस समय के दौरान हुण तक जदों दा कैंपेन शुरू किया 906 जिहड़े पीओ ने ड्रग्स दे केसिस दे विच जिहड़े इनवॉल्व ने वो गिरफ्तार किए गए। पिछले 3 महीने दे विच भी काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच नशे जिहड़े रिकवर किए गए, काफ़ी वड्डियां उपलब्धियां पुलिस नूं हासिल हुई हैं। जिस टाइम के दौरान आपां स्पैसीफिकली ड्रग ते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, उस समय के दौरान 2678 एफ आई आर दर्ज हुई हैं, 3592 अक्यूज्ड अरैसट होए हैं और उहदे च कमर्शियल क्वांटिटी दे 351 एफ आई आर दर्ज हुई हैं। ड्रग्स की जिहड़ी रिकवरी हुई है वह 374 किलो की हैरोइन की रिकवरी हुई है, 266 किलो ओपीएम की रिकवरी हुई है, 81 क्विंटल जिहड़ी है पॉपी हस्क की रिकवरी हुई है, 254 किलो गांजा की रिकवरी हुई है और 12,56,573 जिहड़ियां ने वो मैडिकल ड्रग्स जिहदे विच इंजैक्शनस टैबलेट्स पिल्स वगैरह जिहड़ियां ने वो रिकवर हुई है। 1,39,00,000 की ड्रग मनी रिकवर हुई है और 817 व्हीकल जिहड़े ने वो फड़े गए इस पीरियड के दौरान जिहड़े ड्रग्स दे विच इनवॉल्व सी और 172 जिहड़े पीओ इस 3 महीनों के दौरान जिहड़े ने गिरफ्तार होए हैं। सो ये 3 महीनों के विच भी पंजाब पुलिस ने काफ़ी वड्डी मात्रा के जिहड़े ने ड्रग रिकवर किए हैं। इस तो अलावा कुछ होर स्पैशल इनिशिएटिव कुछ स्पैशल जिहड़े ने होर इस तरह दीआं गतिविधियां हुई हैं इस समय के दौरान जिदे विच मानजोग सीएम साहब दीआं डायरेक्शनस दे उत्ते पंजाब पुलिस ने कुछ इनिशिएटिव ले है। उहदे विच सब तो पहला मैं दसना चाहूँगा कि मानजोग सीएम साहब ने 20 करोड़ रुपया जिहड़ा सेंक्शन किया वा सीसीटीवी कैमराज लाउण वास्ते बॉर्डर एरियाज दे विच। सिमिलरली डीजीपी साहब ने एक 1,00,000 रुपए का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है कि बॉर्डर एरियाज दे विच जे कोई ड्रोन की इनफॉर्मेशन दे जिहड़ा कि जिहदे चों वैपन जां ड्रग्स की रिकवरी होवे तो उसनों 1,00,000 रुपए का इनाम दिता जाएगा और सूचना जिहड़ी है वह भी गुप्त रखी जाएगी पूरी तरह। सो बॉर्डर एरियाज नूं स्ट्रेंथन करन वास्ते काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच काम हो रहा वा। इस तो अलावा मानजोग सीएम साहब ने एक होर जिहड़ा है वह डायरैक्शन दिती है पंजाब पुलिस नूं कि एक सड़क सुरक्षा फोर्स का निर्माण किया जा रहा वा।
सड़क सुरक्षा फोर्स जिहड़ी आ उहदे विच जिहड़े ने ADGP ट्रैफिक मिस्टर AS राय वो नोडल ऑफिसर बनाए गए आ, वह सारा जिहड़ा प्रोजेक्ट आ उहनूं किद्दां मोडैलिटीज़ वगैरह वर्कआउट कर रही आ वह सारा काम कर रहे उहदे उत्ते। और इस सड़क सुरक्षा फोर्स दे विच 29.5 करोड़ रुपया जिहड़ा वा इनिशियल स्टेज दे उत्ते मानजोग CM साहब ने वो राखवा रखा है पंजाब पुलिस वास्ते। और इस काम वास्ते 144 वहीकल दे विच परचेज होणगे और 144 वहीकल दे विच सारे ही जिहड़े वो वधिया जिद्दां CM साहब दीआं हदायतां सीगीआं कि भी वो वहीकल होने चाहिए जिहड़े क्रिमिनल नूं चेज करन दे विच इफेक्टिव होण, क्योंकि बहुत थावां दे उत्ते देखण च आया कि पुलिस नूं कई बार क्रिमिनल नूं चेज करना पैंदा है। सो Isuzu हाई एंड वहीकल एक सिलेक्ट किया उहदे वास्ते और Scorpio गड्डियां उहदे वास्ते सिलेक्ट कीतीआं। सो जिहड़े 144 वहीकल लै रहे हैं उहदे च 116 जिहड़े ने वो Isuzu लै रहे हैं और 28 जिहड़ियां ने Scorpio गड्डियां लै रहे हैं, क्योंकि वह मेन फोकस हैगा है कि जिहड़ी स्पीड जिहड़ी आ तेज़ होवे वहीकल्स दी। सो यह जिहड़ा सारा आपां काम जिहड़ा पंजाब पुलिस वल्लों उहदे च फिर जिहड़ी ये सड़क सुरक्षा फोर्स होएगी बिल्कुल मॉडर्नाइज फोर्स होएगी, स्पैशल इहदी यूनिफॉर्म डिजाइन की जा रही है, राय साहब उसते भी काम कर रहे हैं कि किस तरह की इन्हां दे यूनिफॉर्म होवे, इन्हां दे कोले मॉडर्न इक्विपमेंट्स जिदा बॉडी कैमराज होणगे, वहीकल्स दे विच GPS फिटेड होएगा, ब्रेथ एनालाइजर होणगे इन्हां दे कोले। सो बिल्कुल मॉडर्न फोर्स होएगी जिहड़ियां मेन रोड्स जिहड़ियां ने पंजाब दीआं सारीआं रोड्स नूं कवर करेगी है। सो काफ़ी इस तरह का काम जिहड़ा है मॉडर्नाइजेशन वास्ते और पंजाब पुलिस नूं होर इफेक्टिव बनाउण वास्ते मानजोग CM साहब दीआं हदायतां ते ओह कीता जा रहा है पूरे पंजाब दे विच। पंजाब पुलिस ने मानजोग CM साहब की हिदायतों पे पिछले 11 महीने में, क्योंकि ये ड्रग्स का जो ड्रग्स के खिलाफ जो कैंपेन था ये जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो अब तक जितनी 11 महीने में टोटल जो हमने FIR रजिस्टर की हैं वो 11,147 FIR रजिस्टर की हैं, जिसमें 14,952 जो अक्यूज्ड है वो अरेस्ट हुए हैं इस पीरियड के दौरान, और इसमें 1313 जो FIRs हैं कमर्शियल क्वांटिटी में दर्ज की गई है, जिसमें 2132 जो बड़े स्मगलर्स हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा FIR है वो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर हुई है 757, पटियाला में 681 और अमृतसर में 659। कमर्शियल क्वांटिटी की सबसे ज़्यादा FIR पटियाला डिस्ट्रिक्ट में 106, उसके बाद STF SAS नगर में 90 और तरन तारण में 74 FIR। ड्रग्स की काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई है, जिसमें हेरोइन जो है वो 1135 kg हेरोइन रिकवर हुई है, जिसमें 987 पंजाब के अंदर से पकड़ी गई है और 147.5 वो जो गुजरात और महाराष्ट्र में विद द प्रो एक्टिव अप्रोच जो पंजाब पुलिस की तरफ से इनपुट्स के बेसिस पे पकड़ी गई है। ओपीएम 730 किलोग्राम की रिकवरी हुई है, पॉपी हस्क की 350 क्विंटल्स की रिकवरी हुई है, चर्स की 40 kg और गांजा 840 किलोग्राम की रिकवरी है। जो मेडिकल ड्रग्स हैं जिसमें इंजेक्शंस टैबलेट्स पिल्स आती है उसकी 62,49,616 यूनिट्स जो हैं वो इस समय के दौरान जो कन्फिस्केट किए गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग मनी रिकवर हुई है, जो 11,83,00,000 की रिकवरी हुई है और टोटल POs जो इस समय के दौरान अरेस्ट हुए हैं वो 906 जो NDPS एक्ट के POs अरेस्ट हुए हैं इस समय के दौरान। इसी तरह जो 3 महीने की पंजाब पुलिस की इस पीरियड में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स रिकवर हुए हैं, जिसमें 374 किलोग्राम हेरोइन की रिकवरी हुई है, 266 किलोग्राम OPM की रिकवरी हुई है और 81 क्विंटल की जो है पॉपी हस्क की रिकवरी हुई है और 12,56,573 जो यूनिट्स हैं इंजेक्शंस टेबलेट्स वो कन्फिस्केट किए गए हैं और 1,39,00,000 की जो है बड़ी मात्रा में ड्रग्स की जो ड्रग मनी है वो रिकवर हुई है। सो ये जो मेन पंजाब पुलिस की अचीवमेंट्स हैं ड्रग्स फ्रंट पे। इसके अलावा ऑनरेबल CM साहब की डायरेक्शंस पे कुछ और इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें CM साहब ने 20 करोड़ का जो फंड है वो अलॉट किया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमराज इन दी बॉर्डर एरियाज और DGP साहब ने 1,00,000 का रिवॉर्ड जो डिक्लेयर किया है फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रोन्स, खास करके वो जिसपे ड्रग्स या वेपन्स की रिकवरी हो। एक और जो CM साहब की डायरेक्शन पे एक हम फोर्स एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जिसको सड़क सुरक्षा फोर्स का नाम दिया जाएगा,
उसके लिए 144 व्हीकल जो है वो स्पेशली पुलिस को एलोकेट किए जाएंगे, जिसके लिए जो फंड्स हैं 29.5 करोड़ जो फंड है वो अलग से रखे गए हैं इस पर्पज़ के लिए। और ये सारे हाई एंड बढ़िया जो व्हीकल्स हैं, मॉडर्नाइज व्हीकल्स होंगे, जो क्रिमिनल्स को चेज करने के लिए पुलिस की मदद करेंगे। और जो ये फोर्स है स्पेशल, जो सड़क सुरक्षा फोर्स है, प्रॉपरली इक्विप्ड होगी, जिसके पास बॉडी कैमराज, इनकी स्पेशल यूनिफॉर्म होगी, ब्रेथ एनालाइजर, सारी तरह के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो चाहिए इसमें, वो सारे पुलिस के पास होंगे इसमें। थैंक यू। उसमें अभी देखो, उसमें अभी जो सीपी साहब की सुपरविजन में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ क्लूज उनके पास हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मैं स्टेज पे शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब कोई जैसे ही वो रिकवरी होगी तुरंत वहाँ पे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताएंगे। नहीं, वो बारे च मैनू नहीं कुछ। सर एक सवाल है, जेड़ा आज भी ड्रोन फड़िया गया है बॉर्डर एरिया को, हुन जेड़े ड्रोन फड़े जा रहे ने, जेड़े भी रिकवर कर रहे हैं, चाहे बीएसएफ चाहे पंजाब पुलिस, वो मैपिंग वाले जेड़े लेटेस्ट ड्रोन्स ने उन्हां नू रिकवर कर रहे। हालांकि ड्रग्स की सप्लाई या वेपन की सप्लाई तो चलो पुरानी गल होगी आती है, लेकिन हुन जेड़े ड्रोन्स रिकवर हो रहे वो मैपिंग वाले ड्रोन्स ने, पुलिस नू भी स्ट्रेंथन किया जाए, सर्वेलेंस भी इनक्रीज की जाए। एक डीजीपी साहब ने रिवॉर्ड डिकलेयर किया 1,00,000 रुपए का, जिहड़ा कि ड्रोन के बारे कोई इनफॉरमेशन दे, और खास करके जो ड्रोन्स तो ड्रग्स या वेपन की रिकवरी हो। तीसरी गल जी है कि ड्रोन के उत्ते ऑलरेडी, जिस तरह मैं पहला भी कई बार दसिया, साडा ऑलरेडी काम चल रहा है, यदि टेक्नोलॉजी भी फरदर डिवेलप करने की कोशिश की जा रही है, होर भी काम चल रहा है। और जोड़ा भी ड्रोन फड़िया जाता है उन्होंने प्रॉपर फोरेंसिक एनालिसिस होंगे है, वह जिन्हों जड़िया फोरेंसिक लैब्स जक्सपर्ट लैब्स आ उत्थे भेजा जाता उन्होंने उत्ते, और बैकग्राउंड कितने उन्हें लैंड करना सी, कितों वो टेक ऑफ होया सीगा, वो सारी चीज़ों के उत्ते इनफॉरमेशन जी है, नॉलेज जी है डिवेलप की जा रही है। सर माय क्वेश्चन है, वन क्या डेटा है कितने ड्रोन्स आ रहे हैं, और दूसरा अमृतसर में हमने देखा है कि पर्टिनेंटली वहीं पे ज्यादा ड्रोन ड्रॉपिंग हो रही है, तो कोई डेटा है? नहीं देखो, एस्टैब्लिश्ड नहीं, एज सच कोई देखो एज सच एस्टैब्लिश्ड डेटा नहीं है, बट ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर का जो था वो 244 के आसपास जो ड्रोन दिखाई दिए थे उस पीरियड में, और अब रिसेंट हमारे पास कोई कंपाइल डेटा नहीं है, बट वो एरिया नेचुरली वही है, बॉर्डर एरिया ही है। सो अमृतसर रूरल, बटाला, गुरदासपुर और तरन तारण का एरिया ही है जो जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी जो है देखने में आई है इस समय के दौरान। और इस पे हमारी एक स्पेशल जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमारे स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी बीएसएफ, बाकी सारी जो एजेंसीज हैं उनके साथ एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट वीक, तो उसमें भी ये सारे इश्यूज जो है डिस्कस किए गए हैं, और एंटी ड्रोन क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए हमें, वो सारा उसमें डिस्कस हुआ है उस मीटिंग में। देखो, नाइट डोमिनेशन ऑलरेडी साडा चलदा है, कुछ कई बारी कोई मे बी कुछ इदां दे पार्ट्स रह गए होण, पर मैं हुणे दस रहा सीगा कि सीएम साहब एक स्पेशल फोर्स एस्टैबलिश करन जा रहे हैं उन्होंने हदायतों से, सीएम साहब के हदायतों से, जिहदा नाम सड़क सुरक्षा फोर्स रखा गया है। सो वो फोर्स के 24 आवर्स की ड्यूटी होएगी, मीनस जी शिफ्ट 24 घंटे वो सड़कों के उत्ते, नहीं सारिया सड़कों पर होएगी, बॉर्डर पर भी होएगी, मैं बॉर्डर बारे अलग तो गल करा। सो सारिया सड़कों के उत्ते होएगी, और उन्होंने बेसिकली काम जिते जिते एक्सीडेंट्स नू प्रिवेंट करना होएगा, नाल क्राइम नू प्रिवेंशन वास्ते भी होएगा। बॉर्डर के उत्ते स्पेशली जिदा 20 करोड़ रुपया जोड़ा डेजिग्नेट किया गया है फॉर सीसीटीवी कैमराज बॉर्डर के उत्ते। इस तो अलावा जी सड़क सुरक्षा फोर्स होएगी,
इन्हों को मैं दसिया कि 144 मॉडर्न वहीकल्स इन्होंने दिए जा रहे हैं ता जो क्रिमिनल किसी टाइम चेज करना है क्रिमिनल कि काउंटर करना है तो वो वास्ते ये वहीकल्स बड़े इफेक्टिव हो गए मतलब सारे बड़े सीनियर IPS ऑफिसर उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे और जो जो स्टेप्स देखो टीम्स लगिया हुई अरेस्ट करने वास्ते भी उस पर भी पूरा जोर लगे हुआ LOC इशू होया हुआ राजजीत का नॉन अवेलेबल वारंट्स इशूड ने ऑलरेडी और PO दी प्रोसीडिंग जिहड़ियां ने वो एज पर लॉ चल रही है प्रॉपर्टी फोरफीचर दी प्रोसीडिंग भी चल रही है सो एज पर लॉ जो जो एक्शन लेने वाला है सारा उहदे विच कीता होया रेगुलर CM साहब मोनीटर कर रहे इस चीज़ नूं और जल्दी तो जल्दी इहदे विच रिजल्ट भी देखण नूं मिलेगा नहीं नहीं देखो एक्शन तो बहुत सख्त एक्शन होया जी उहदे विच डिसमिसल होया डिसमिसल फ्रॉम सर्विस सब तो सख्त एक्शन हुंदा जित तो गिरफ्तारी दे विच जो जो स्टैप्स लैण दी लोड़ आ उह स्टैप्स ले जा रहे आ और जिस तरह उह जिन्ना एफर्ट कीता जा रहा उहनां वल्लों मिस्टर RK जायसवाल इहदी पूरी जिहड़ी है इन्वेस्टिगेशन कर रहे आ सारे इफेक्टिव स्टेप्स ले जा रहे और जल्दी ही उधर रिजल्ट भी देखने को जमीन है और एक जिहड़ी बेसी तार जिहड़ी हैगी है डिपार्टमेंट कोई टिप्पणी मंगी जाएगी तो जरूर दस्या जाएगा नहीं अभी स्टेज पे नहीं कहा जा सकता कुछ भी वी कैनॉट से ऑन दैट इशू बिकॉज वो NSA डिटेनी है और उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम कई चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते स्टेज पे बट जो सपोर्ट सिस्टम वगैरह है उस पे नहीं वो सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही बट इस स्टेज पे कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया जा सकता जी एंड दूसरा ये जो आप बोल रहे हैं कि सड़क सुरक्षा और बाकी चीज़ें आप मेजर दे रहे हैं पर आप चंडीगढ़ से बाहर ही चले जाएँ तो कोई जो सड़कों पे दिखे और उसकी अलग से एक उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हों मॉडर्न व्हीकल्स हों और अलग से दिख हो एक उनकी तो उसी का ये पार्ट है सड़क सुरक्षा फोर्स जो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसी का पार्ट है और उसके लिए किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की कमी नहीं है थोड़ा टाइम लगेगा जैसे उनकी यूनिफॉर्म डेजिग्नेट होगी एलोकेट की जाएगी फोर्स व्हीकल्स परचेज किए जाएंगे और जैसे ही वो इफेक्टिवली काम करने लगेंगे तो रिजल्ट दिखने लगेगा सर वो चल रही है अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आई नहीं है उसमें जो प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी वो पूरा एपिसोड है उसकी इंक्वायरी चल रही है लेकिन वो रिपोर्ट वो नहीं पंजाब पुलिस से उसका डायरेक्टली लिंक नहीं है वो रिपोर्ट सीधी गवर्नमेंट को सबमिट होगी फ्रॉम द प्रिजन डिपार्टमेंट मुझे नहीं पता इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है हाँ एक उसमें अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है जो प्रदीप मर्डर केस में इन्वॉल्व था देखो पंजाब में इस टाइम माहौल आप इस चीज के विटनेस हो के बिल्कुल 100% ठीक माहौल है AGTF ने बड़ा इफेक्टिव काम किया पिछले दिनों में कोई किसी तरह की आप गैंगस्टर्स की एक्टिविटी देखने को नहीं मिली पिछले काफ़ी टाइम से सो ऑलरेडी पंजाब पुलिस सारा प्रॉपर उसकी ग्रिप में है सारा हमारे जो स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं जैसे AGTF है या हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी विंग है बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और जो अगर कोई होगा ऐसा तो उसको भी हम अच्छे से डील करेंगे सर,
देखो ये सब तो इफेक्टिव जी चीज़ है ना जी, जिस तरह तुम देखा कि सीएम साहब ने एक स्पेशल किया लॉन्च के हर साल 1800 कॉन्स्टेबल तो करीब 300 के आस पास सब इंस्पैक्टर की भर्ती होगी। हूँ असी जो कॉन्स्टेबल्स का जो फॉर्म कढ़िया सब इंस्पैक्टर का कढ़िया करीब करीब 3 लाख के करीब बच्चों ने अपलाई किया कॉन्स्टेबल वास्ते और 60,000 के आस पास बच्चों ने अपलाई किया सब इंस्पैक्टर वास्ते। तो सारे जोड़े बच्चे हूँ अपना फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, रिटन की तैयारी कर रहे हैं, सो एक इस पास लगे हुए हैं सारे। सो इट मीनस कि जे आपू इन्ने फिजिकली फिट बच्चे मिल रहे हैं तो इट इट सैल्फ इंडीकेट्स के पी ड्रग्स के कमी आई है, उस बच्चों के ड्रग्स का रुझान भी घटिया वा और आने दिनों के क्योंकि भर्ती हर साल होएगी। इस साल शुरुआत की है जनवरी फॉर्म निकले से, तुम हूँ भी देखोगे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं पिंड खास करके जाके देखोगे। सो इस चीज़ का जो रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल होएगा जी, बिल्कुल होएगा। उसमें ना एक हमारी SAT बनी है जिसमें IG लुधियाना रेंज जो है STF के हेड हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो तो उनसे मतलब ली जा सकती है इन्फॉर्मेशन। स्पेशल हमने DGP साहब की तरफ से सबको इंस्ट्रक्शंस गई हुई है इसमें, और इसमें इसमें जो ट्रैवल एजेंट का होता है इशू, इसमें एक्ट के मतलब अधीन उनको रजिस्टर करवाना होता है बकायदा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है ऑथोराइज्ड एजेंसी है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हमारा ऑलरेडी स्पेशल कैंपेन चल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस ने एक और कैंपेन चलाया था जिसमें हमने कुछ सिम कार्ड्स जो फेक एड्रेसेस पे थे, करीब 1.8 लाख जो सिम कार्ड्स हैं वो हमने ब्लॉक करवाए हैं और 52 FIR रजिस्टर हुई है, इस पे भी स्पेशल कैंपेन हमारा चल रहा है। इसी गेल साहब बहुत सारे इधर केसेस आते हैं जिन्हें विच कई बार दस्से आते हैं कि पैसे लेने जाते हैं एजेंटा कोलों पर जो बच्चे वो बाहर नहीं जा पाते, फिर वो गलत पासे मतलब कोई कोई सुसाइड का राह चूज करता है, कोई इधर राह चूज करता है, कंप्लेंट पुलिस तक पहुंचती है पर एक्शन जो फौरी तौर पर हो जाता है, बट बाद उसके उत्ते कोई वादू एक्शन नहीं दिखता। देखो ट्रैवल एजेंट्स का जितने तक इशू है कि इलीगल जो ट्रैवल एजेंट्स है वो खिलाफ सारे जिले में हदायत की गई कि वो सख्ती पेश आ जिन्हों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई एज पर एक्ट जो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए है उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जो कोई स्पेसीफिक केस आता वा उन्होंने फॉलोअप किया जाएगा ता जो वे सख्त कार्रवाई हो। कौस्तुभ शर्मा है जो IG लुधियाना रेंज है वो SIT को वो हेड कर रहे हैं।